नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 7 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा द्वितीय भाग जो आप लोगों की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका चैप्टर 13 त्रयोदश पाठ है अमृतम संस्कृतम, यानी कि संस्कृत भाषा अमृत तुल्य है, संस्कृत की महत्ता के बारे में उस चैप्टर में बताया गया था, वो पढ़ा बच्चों। और आज की कक्षा में हम चैप्टर 14 अनारिकाया जिज्ञासा इस शीर्षक से जो पाठ है बच्चों उसको पढ़ेंगे बच्चों। बेसिकली बच्चों, इस पाठ में अनारिका नाम की एक बालिका है, बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति की बालिका है और हमेशा उसको जिज्ञासु प्रवृत्ति मतलब वो जानने की इच्छा रखने वाली है। वो अपने प्रश्नों से सभी से प्रश्न पूछ करके कुछ ना कुछ जानना ही चाहती है, इस प्रकार की वो बालिका है। वो हम देखेंगे और किस प्रकार के प्रश्नों को वो करती है वो हम देखते हैं बच्चों। तो शुरू करते हैं, चतुर्दश है पाठ है चैप्टर 14 अनारिकाया है जिज्ञासा, अनारिका की जिज्ञासा, ठीक है। अब देखते हैं हम, बालिकाया अनारिकाया मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में हमेशा ही बहुत ही सबसे जिज्ञासा रहती है, बहुत कुछ उसको जानने की इच्छा रहती है। अतः सा बहून प्रश्नान पृच्छति, इसलिए वह बहुत सारे प्रश्नों को पूछती है। तस्याः प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति, उसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्र के समान घूमती है, यानी कि उसको क्वेश्चन से क्वेश्चन में से वापस उत्तर मिलने के पश्चात उस उत्तर में से वापस वो प्रश्न निकाल लेती है। इस तरह से आंसर देते देते सामने वाले की उसके समक्ष जिससे भी वो प्रश्न करती है उसकी बुद्धि जो होती है चक्र के समान घूमने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, प्रातः उत्थाय सा अन्वभवत यत् तस्याः मनः प्रसन्ना अस्ति, यानी कि प्रातः सुबह उठकर उसने अनुभव किया कि उसका मन कैसा नहीं है, प्रसन्न नहीं है, वो खुश नहीं है, उसको ऐसा महसूस हुआ। तो मनोविनोदाय सा भ्रमितुम गृहात बहिः अगच्छत, और मनोविनोद के लिए यानी कि मन को प्रसन्न करने के लिए वो अपने घर से बाहर वो घूमने के लिए आ गई। भ्रमण काले सा अपश्यत यत् मार्गः सुसज्जितः सन्ति, और भ्रमण काल में यानी कि घूमते हुए उसे देखा कि रास्ता जो है, जो मार्ग है वो कैसा है, सुसज्जित है, डेकोरेट किया हुआ है, सजाया हुआ है। सा चिंतित वह सोचती है किमर्थम इयम् सज्जा, वह सोचती है कि किस लिए ये सज्जा हो रही है, ये सजावट किस लिए है, वो इस प्रकार सोचती है। सा अस्मरत यत् अद्य तो मंत्री आगमिष्यति, और उसे याद आया कि अरे आज तो कौन आएंगे, मंत्री जी आएंगे, आज तो मंत्री आएंगे, ऐसा उसने सोचा, उसको याद आया। सह अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषये तस्याः जिज्ञासा प्रारब्धा, सह अत्र यानी कि वो, यानी कि जो मंत्री जी, वो यहाँ पर किस लिए आएंगे, ये उसके इस विषय पर उसकी जानने की इच्छा प्रारंभ हुई, प्रारब्धा यानी प्रारंभ हुई, वो जानना चाह रही थी। तो गृहम आगत्य सा पितरम अपृच्छत, तो घर आकर के उसने पिताजी से पूछा, अपने पिताजी से उसने पूछा, अब क्या पूछा कि पिता मंत्री किमर्थम आगच्छति, कि हे पिताजी, कि पिताजी मंत्री महोदय क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं। पिता आवदत, तो पिता ने बोला, पिताजी बोले, क्या बोले पिताजी, कि पुत्री नद्यः उपरि नवीनः सेतु निर्मितः, कि हे पुत्री नदी के ऊपर नए पुल का, सेतु मीन्स पुल, ब्रिज, नए पुल का निर्माण हुआ है और उस पुल के उद्घाटन के लिए कौन आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, यानी कि उसके उद्घाटन के लिए कौन आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं। अनारिकाया अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका ने पुनः प्रश्न पूछा, दोबारा से प्रश्न पूछा, पिता किम मंत्री सेतो निर्माणम अकरोत, कि हे पिताजी, या पिताजी क्या मंत्री जी ने पुल का निर्माण किया है। पिता अकथ्यत, तो पिता ने कहा, क्या कहा पिता ने, कि न ही पुत्री, नहीं पुत्री, सेतो निर्माणम कर्मकरा अकुर्वन, सेतो का निर्माण, तो यानी कि सेतो मीन्स पुल का निर्माण तो किसने किया है, कर्मकरा, कर्मकरा मीन्स मजदूरों ने किया है। पुनः नारिका यह प्रश्न आसीत, और फिर से पुनः नारिका का प्रश्न था, अब क्या प्रश्न था, कि यदि, इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ बच्चों ये, कि यदि कर्मकरा सेतो निर्माणम अकुर्वन तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, तो यदि मजदूरों ने पुल का निर्माण किया है तो मंत्री जी किस लिए आ रहे हैं। पिता आवदत, तो पिताजी बोले, यतो ही सह अस्माकम देशस्य मंत्री, तो पिताजी बोले क्योंकि वे हमारे देश के क्या हैं, मंत्री हैं, इस तरह से पिताजी ने बोला, ठीक है। तो पिता सेतो निर्माणाय, वापस से इधर पिताजी ने जवाब दिया कि हमारे देश के मंत्री हैं,
तो फिर से वापस से उसका प्रश्न था कि पिता कि पिताजी सेतो निर्माणाय प्रस्त्राणि कुतः आयन्ति, पुल के निर्माण करने के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं, कुतः मीन्स कहाँ से आते हैं या लाए जाते हैं, किम तानि मंत्री ददाति, क्या उनको उन सभी पत्थरों को मंत्री जी देते हैं क्या, इस तरह से उसका क्वेश्चन था। टर्न द पेज स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। विरक्त भावेन पिता उत्तरत, विरक्त भाव से यानी कि उदास होकर के पिता ने उत्तर दिया कि अनारिके प्रस्त्राणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति, के हे अनारिका जो प्रस्त्राणि यानी जो पत्थर है उनको लोग पर्वत और पहाड़ों से कहाँ पर्वत पहाड़ों से क्या करते हैं आनयन्ति लाते हैं। पिता तरी किम एतदर्थम मंत्री धर्म ददाति, तो वापस से पुनः अनारिका का प्रश्न था, तो क्या इसके लिए एतदर्थम इसके लिए मंत्री धर्म ददाति, तो क्या इसके लिए यानी कि पुल बनाने के लिए मंत्री जी धन देते हैं क्या। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, और एक प्रश्न के साथ ही उसने पुनः हैंड टू हैंडी दूसरा प्रश्न अपने पिताजी से किया, और तस्य पार्श्वे कौन सा प्रश्न था कि तस्य और उनके पास धन कहाँ से आता है, ठीक है ना। तो दो क्वेश्चन एक साथ पूछ लिया अनारिका ने इधर कि भाई इसके लिए क्या धन मंत्री जी देते हैं क्या पुल के निर्माण के लिए, और यदि मंत्री जी देते हैं तो फिर वो धन उनके पास कहाँ से आता है, ये दो क्वेश्चन उसने कर दिए हैं। तो एतान प्रश्नान श्रुत्वा, इन प्रश्नों को सुन करके पिता आवदत, पिताजी बोले, क्या बोले पिताजी कि अरे प्रजाः धनं प्रयच्छन्ति, अरे प्रजा सरकार को क्या करती है धन देती है। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत, विस्मृत यानी कि विस्मित यानी अचंभित होकर के हैरान होकर के अनारिका ने फिर से पूछा, क्या पूछा कि पिता कर्मकरः पर्वतेभ्यः प्रस्त्राणि आनयन्ति, कि हे पिताजी मजदूर पहाड़ों से पत्थर लाते हैं, क्या बोला उसने कि हे पिताजी कर्मकरः पर्वतेभ्यः प्रस्त्राणि आनयन्ति, हे पिताजी जो मजदूर है वो पर्वतों से पत्थर लाते हैं, ते एव सेतुं निर्मान्ति और वो उससे पुल का निर्माण करते हैं, प्रजाः धनं ददति, प्रजा यानी कि जो प्रजा है वो जो लो इसको प्रजा जो है सरकार को क्या करती है धन देती है, तथापि सेतोः उद्घाटनार्थं मंत्री किमर्थम आगच्छति, तथापि और फिर भी पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री जी क्यों आ रहे हैं, ये उसका प्रश्न था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। पिता आवदत, पिताजी बोले प्रथमम एव, इस प्रकार से तोड़ के पढ़ेंगे इसको, अहम अकथयम यत सह देश से मंत्री आसीत, पिताजी बोले कि पहले ही मैं कह चुका हूँ कि वो क्या है, वे हमारे देश के मंत्री हैं, स जनप्रतिनिधि अपि अस्ति और वो जनता के प्रतिनिधि भी हैं, जनतायाः धने निर्मितस्य सेतो उद्घाटनाय जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति, जनतायाः धने जो जनता के धन से बने हुए पुल के उद्घाटन के लिए इनॉग्रेशन के लिए जनता के प्रतिनिधि को ही आमंत्रित किया जाता है। चल सुसज्जिता भूतवा विद्यालयम, चलो तैयार होकर विद्यालय को चलो, इस प्रकार पिताजी ने बोला। अनारिकाया मनसि इतो अपि बहवः प्रश्नाः सन्ति, और अनारिका के मन में फिर भी बहुत से प्रश्न थे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने जिज्ञासु प्रवृत्ति वाली अनारिका के बारे में पढ़ा, वो किस प्रकार से वो प्रश्न किए जा रही थी, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए शुभम मंगलम।